लाइव चालू हो गया सभी दोस्तों को शुभ संध्या और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बी पी में मैं आपका दोस्त स्टैंड बी पी वाला दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे ठीक ना कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि एग्ज़ाम कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं आयोग जो है मर गया मिट्टी में मिल गया खा गया लोग सब स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेल हकीकत बात है देखिए बिहार का ही बिहार में हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं ये आपकी समझ से नहीं है पूरी जितनी भी स्टूडेंट है ना बिहार में जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खेलना ये आम बात है आप बिहार सरकार यानी आयोग फॉर्म कब निकाली 20 अक्टूबर 2022 ठीक लास्ट 20 सितंबर लास्ट डेट कब था 20 अक्टूबर सोचिए हम लोग क्या कर सकते हैं लोग अब हम लोग के तो हाथ में है नहीं हम लोग कितना मेल किए कितना बार पूछे तो बोल रहे लोग कि जल्द ही एग्जाम होगा खैर इस महीने का कुछ दिन पहले बोला गया था कि जज साहब का तबादला होने वाला है जज साहब का जो भी लेटर वगैरह था सब तैयार हो गया वो चले भी गए अब देखिए नोटिस कब निकलता है ये अब आयोग ही बता सकती है दोस्तों ठीक ना कि अब कुछ लोग हैं बोल रहे हैं क्या आयोग में है कुछ एडवोकेट लोग हैं तो एडवोकेट लोगों से बात करने पर यह पता चला वो लोग बोल रहे हैं कि कौन बोल दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया भाई एग्ज़ाम कौन बोला कि कैंसिल हो गया कहाँ मेंशन किया हुआ है आप लिखित साक्ष्य रूप में दिखाओ ना कि हाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या कौन बोल रहा है आपको देखिए ये सब ह्यूमर है अफवाह है इन सब बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है देखिए उन उन्हीं चीज़ों को आपको मानना है जो आयोग आपसे मैंसन करके रिटर्न लिख कर दे आपको रिटर्न निकाले वेबसाइट पर जो बिहार सिविल कोर्ट का ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो साइट है उस पर आप जाकर चेक करेंगे वहाँ पर आपको जो भी नोटिस मिलेगा कोई भी नोटिस नहीं आता है आप ऐसे किसी के बोल देने से आप बोल मान जाओगे कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा एग्जाम होगा ठीक ना जल्द ही एग्ज़ाम होगा और नोटिस भी निकलेगा हो सके कि आपका अगले महीने में नोटिस आ जाए या इस महीने के लास्ट तक नोटिस आ जाए अगले महीने के फर्स्ट वीक में नोटिस आए और लास्ट तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए अगले महीने के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करवा दिया जाए तो इन सब चीज़ को भी देखिए कुछ लोग होते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होंगे एक आपको गिराने वाला और एक आपको बढ़ाने वाला ठीक है गिराने वाला हमेशा आपसे जलेगा आप वो बोलेगा कि सर इसका प्रैक्टिस सेट लगा रहा है अच्छा है प्रैक्टिस सेट में 85 फाइव क्वेश्चन जब का है तो सत्तर बहत्तर आ रहा है तो क्यों ना इसको भड़का दे कि इसका प्रैक्टिस सेट में कम हो जाए सेट लोग रोज़ लगाओगे तो भाई जाहिर सी बात है त्रुटियाँ कम होगी तो हम वही कराते हैं आप लोगों को बहुत लोग होंगे बोलते होंगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा छोड़ो क्यों पढ़ रहे हो भाई पढ़ना है फॉर्म भरे हो तो पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम भी होगा और जो लोग बोल रहे हैं ना कि सेटिंग से ही होगा एग्ज़ाम तो भूल जाइए सेटिंग से जो लोग बैठे हैं कि हम सेटिंग करवा कर, कर एग्ज़ाम निकलवा लेंगे तो आपकी गलत फहमी है दोस्त एग्ज़ाम जो होगा मेरिट बेसिस पर होगा बहुत सारा फॉर्म की संख्या गिर गई है आवश्यकता से ज़्यादा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हाई नहीं चपरासी है टेंथ लेवल है ग्रेजुएशन लेवल है चार पोस्ट है उसमें तो जाहिर सी बात है फॉर्म की संख्या ज़्यादा हुई है तो उसको मेंशन करने के लिए ऑर्गेनाइज कराने के लिए आयोग को थोड़ा सा समस्या समय ज़्यादा लगता है तो उन सब चीज़ों को देख कर आपको स्टडी करना है और पढ़ना है ठीक है बार बार एग्जाम नहीं होता है जैसे भी होगा नोटिस के माध्यम से आपको बताया जाएगा बिहार सिविल कोर्ट के साइट पर बताया जाएगा दिखाया जाएगा जितना भी होगा जैसे भी होगा और हमारे सर भी हैं सर भी हैं बहुत आ, हमारे जो चैनल पर लोग जुड़े हुए हैं कोई और साधारण लोग नहीं हैं साधारण लोग हैं वो मतलब एक से एक विद्वान लोग हैं कितने बार आई का इंटरव्यू दिए हैं कितने बार बीपीएससी कितने लोग तो ऐसे हैं जो बीपीएससी में एस हैं डीएसपी हैं बी हैं बी हैं अगर उन बताइए जब उन लोगों के साथ हम रहते हैं और कोई बोल देता है कि ऐसा वो लोग पागल है उन लोगों से ये सब बात हम बोलते हैं तो वह कौन बोल दिया ये सब जो भी बोल रहे हैं बोलो ना कि हाँ उसका नाम मेंशन करो या लिखित रूप से दो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया ऐसा नहीं है दोस्त एग्जाम होगा तो होगा और मेरिट बेसिस पर होगा आप जितना पढ़ेंगे जितना सेट लगाएंगे उतना ही होगा चलिए कुछ बता देते हैं कैसे सिलेक्शन होगा पचासी नंबर का चपरासी का क्वेश्चन होगा और जिनका सत्तर आता है साठ सत्तर के बीच में जिनका प्रैक्टिस सेट में आता है वो समझ लीजिए कि सिलेक्शन होगा निगेटिव मार्किंग नहीं है और फॉर्म की संख्या ज़्यादा गिरा हुआ है तो आपको नोटिस के माध्यम से ये भी बता दिया जाएगा कि चपरासी का हो सके कि एक और एग्ज़ाम लिया जाए क्योंकि पहले ही बोला गया था कि अगर फॉर्म की संख्या ज़्यादा गिरती है तो चपरासी वालों का एक और एग्जाम लिया जाएगा ठीक है तो नोटिस का इंतजार कीजिए जैसा भी होगा वैसा आपको बताया जाएगा अफवाह पर ध्यान मत दीजिए ठीक है बहुत सारे ये वीडियो इस पर हम देखें और बहुत लोग क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं यार मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा है उसका तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा उसको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा अरे तो पढ़ना है दोस्त हम हैं ना आप लोगों के साथ हम हैं इंग्लिश वाले सर हैं मैथ वाले सर हैं जीके जी वाले सर हैं सब ब्रांडेड है लोग अभी नहीं ला रहे हैं कुछ काम है पटना हाई कोर्ट के वो एडवोकेट लोग हैं वो लोग झूठ बोलेगा लोग हैं ड्यूटी करता है लोग दिन रात केस लड़ता है लोग कितना हैं तो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है जल्द ही आप लोगों के समक्ष होंगे और जो भी होगा तत पे आधारित होगा अफवाह बातें नहीं है एग्जाम होगा तो होगा 100 परसेंट मेरिट बेसिस पर होगा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है ठीक है दोस्तों तो हम जल्द ही मिलेंगे आप लोगों से शाम को पाँच बजे आप लोग जुड़िए प्रैक्टिस सेट चलता है हिंदी इंग्लिश मैथ का चपरासी का क्लर्क का स्टेनो का रीडर का उसमें हम लोग पाँच बजे से लाइव क्लासेस चलाते हैं और बहुत बच्चा जुड़ते हैं जो लोग फॉर्म भरे हैं वो लोग जुड़ते हैं पाँच बजे आप लोग भी जुड़िए और सेट ऑफलाइन में भी बच्चा हम लोग के साथ पढ़ते हैं पच्चीस तीस लोग स्टूडेंट है जो चपरासी का इसमें सिर्फ स्पेशल फॉर्म भरे हैं उन्हीं के लिए हम लोग जो सेट करवाते हैं वही ऑनलाइन भी करवाते हैं तो मजा आएगा आप लोग भी जुड़िए और देखिए सपोर्ट कीजिए हमारा भी थोड़ा आप लोग हम जो भी बताएंगे और जो भी करेंगे आप लोगों के लिए मदद के लिए होगा दोस्तों ओके चैनल पर जो लोग नए होंगे आप लोग जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम पर क्विज होता है ठीक ना रोशन कुमार सोनम सिंह और लोग हैं जो टॉप करती हैं एम प्रदीप कुमार प्रदीप कुमार कुछ दिनों से टॉप नहीं किए थे लेकिन उन्होंने कल टॉप किया चलिए आपको बहुत बहुत बधाई जो लोग टॉपर हैं उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं पूरा ठीक है दोस्तों आए हैं कुछ आप लोगों से बात करने के लिए बहुत लोग क्या अफवाह उड़ा रहे हैं कि बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो नहीं होगा क्यों नहीं होगा भाई कौन बोल रहा है ये हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि परीक्षा क्यों नहीं होगा कहाँ नोटिस निकल गए कि बोल रहे हो क्या परीक्षा होगा नहीं कैंसिल हो गया परीक्षा कौन बोल है? कौन रहा है ये एक कौन अफवाह फैला रहा है ह्यूमर कौन फैला रहा है जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग स्टैंड बीपीएससी के साथ जुड़े हुए हैं आप लोग बने रहे ठीक ना मैंने जो आप लोगों से प्रोमिस किया है जो वादा किया है वो हमेशा रहेगा बरकरार और जो भी प्रोमिस किया है वो हंड्रेड पूरा होगा बाकी कोई अनाप शनाप कुछ भी बोल रहा है तो वैसे आप ध्यान मान दो कि हाँ एग्जाम कैंसिल हो गया एग्जाम होगा ही नहीं आयोग मिट्टी में मिल गया ये क्या बात हुआ कुछ भी मतलब जो मन करे वो बोल दोगे क्या मतलब वोट्स गोइंग ऑन यार स्टूडेंट हो बिहार में आपको पता है क्या चलता है ये सबको पता है किसी से छिपा नहीं है ठीक ना तो मतलब कुछ भी हो जाता है कोई अनाप शनाब भग देता है तो उसको मान लोगे आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और देखिए मेरा मैं आया हूँ किस लिए आप लोगों लोगो से आप लोगों को पेशेंस दिला गया कि पेशेंस रखिए बिहार सिविल कोर्ट का परीक्षा होगा तो होगा ठीक ना बिहार सिविल कोर्ट बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा 2023 परीक्षा होगा भाई ठीक ना परीक्षा होगा और किसी भी कीमत पर परीक्षा होगा आप किसी के बातों पर ध्यान ना दो ठीक है परीक्षा तो होगा ही चाहे जो भी कोई भी कुछ बोल रहे कि परीक्षा नहीं होगा परीक्षा होगा मेरे आने का मतलब यही है दोस्तों परीक्षा होगा ठीक है ना र्यूमर ह्यूमर पर आप लोग ध्यान ना दें जब तक नोटिस नहीं निकलता है तब तक किसी के बातों पर ध्यान ना दें ठीक है परीक्षा होगा हंड्रेड परसेंट हाई के होगा और बहुत जल्द नोटिस निकलने वाला है जज साहब देखिए कोई भी बहुत बड़ा आयोग है हाई कोर्ट आपको पता है ना कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होता है उसी से रिलेटेड सब चीज़ चलता है ठीक तो उसके बदौलत अगर आप कोई ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोल दिया तो आप उसी को मान लोगे कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है ठीक ना जो भी होगा जिस तरह की भी एक्टिविटी होती है उसी को देख कर हमें करना है और एग्ज़ाम होगा और जल्द ही आप लोगों का नोटिफिकेशन निकलेगा ठीक है जितना जल्द हो सके उतना आप लोगों का जल्दी नोटिफिकेशन निकलेगा जल्द साहब का तब बदला हो चुका है मुझे आने का पर्पज़ सिर्फ ये आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा तो नहीं होगा किसी भी कीमत पर आप लोग पढ़िए और रोज़ शाम को पाँच बजे जुड़िए शाम को पाँच बजे जुड़िए बिहार सिविल कोर्ट का स्पेशल प्रैक्टिस सेट हिंदी इंग्लिश मैथ जितने भी पोस्ट है सबका जीके जीएस मैथ सब करवाया जाता है ठीक है और सब ब्रांडेड लोग हैं सब सर्विस मैन भी है लोग हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कोई आई वगैरह नहीं है सब सिलेक्टेड पर्सन है ठीक ना तो आप लोग बरकरार रखें बने रहें हम जल्द फिर नोटिफिकेशन लेकर आएंगे